औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान सादात टीवी की जानब से सैयद नवीद हुसैन शाह हाज़िर ख़िदमत है। आज मैं मौजूद हूँ पीरा सादात गांव की एक महल्ले में जिसका नाम है पनियाली। तो आज हम इस महल्ले के बारे में और यहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनसे कुछ बात करेंगे। तो हमारी वीडियो आखिर तक देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो मेरे साथ मौजूद हैं जमायत अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये पनियाली, इसका नाम क्यों रखा गया जी? पनियाली, सबसे पहले तो ये आपसे हम पूछेंगे कि ये पनियाली, असल में पनियाली दो वजूहत पे इसका नाम रखा गया। एक तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में था, और दूसरा यहाँ जो ज़मीन है पथरीली है, दो बेस पे एक ज़मीन पथरीली होने की वजह से भी इसका नाम पनियाली रखा गया है, और दूसरा इसके गिर्द पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता था, इस वजह से इसका नाम पनियाली पड़ गया। और ये सादात का मोहल्ला है, इसमें सादात रहते हैं? जी जी, ये हमारे जद से है सैयद जलाल शाह यहाँ आबाद हुए थे, और पूरे हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपने फैमिली से बाहर के कोई लोग भी नहीं है, सारे सादात बरादरी यहाँ पर मौजूद है। माशाल्लाह जी। और ये यहाँ पे लोगों का रोज़गार क्या है जी? तकरीबन ज़्यादातर लोग तो मुलाजमत पेशा है, अपनी खेती बाड़ी है, लेकिन खेती बाड़ी अब कम करते हैं। फसलें दो होती थी, एक गंदम की और एक मकई की, लेकिन चूंकि अब ये बैलों वाला ज़माना तो चला गया, पहले बैल के ज़रिए काश्त करते थे, अब ट्रैक्टर के ज़रिए वो काफ़ी महंगी पड़ती है, तो घर के लिए थोड़ी बहुत जो है फसल वो काश्त कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है लोगों का रोज़गार जॉब है, जॉब करते हैं। और यहाँ पे कोई फल फ्रूट भी हैं? हाँ, फल फ्रूट के हवाले से यहाँ हमारे एक बाग होता था खुबानी का जी, वो पैरा के लिहाज से सबसे ज़्यादा मशहूर था, और वो खुबानी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लजीज थी, माशाल्लाह तकरीबन आई थिंक 30 से 40 दरख्त थे। अच्छा। लेकिन चूँकि वो ज़्यादा, जब उनकी दरख्त की उम्र ज़्यादा हो जाए वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो दरख्त ख़त्म हो गए, दोबारा नई नस्ल ने उस पर काम नहीं किया, दोबारा कोई इस तरह के दरख्त दोबारा उगाए नहीं। यहाँ पे अखरोट भी मैंने देखे थे, अखरोट भी बड़े, अखरोट भी थे, अंगूर भी थे, काली दाख एक होती थी वो भी है, लेकिन अब चूंकि नई नस्ल है, नई नस्ल को इस चीज़ से लगाव है नहीं है, और दोबारा वो दरख्त दोबारा नहीं उगाए, हालांकि चाहिए कि हाँ दोबारा उनको उगाना चाहिए था, ताकि वो जो खुबानी की नस्ल है वो ख़त्म हो गई है। अब वो खुबानी की नस्ल पीरा के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट मानसरा में, पीरा में खुबानी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। तो बहुत ज़बरदस्त। बहुत पुराना, जिसमें जब हमारे जद अमजद ये जलाल से यहाँ पे आबाद हुए थे, तो यहाँ स्पेशल पीने के लिए आगे उन्होंने अपना एक चश्मा निकाला था, तो यहाँ पे बहुत बड़े दरख्त होते थे, एक छोटी सी मस्जिद बनाई हुई थी, यहाँ नमाज ज़ोर और नमाज असर भी अदा करते थे, और यही पानी घर के लिए पीने के लिए भी इस्तेमाल होता था, और कपड़े वगैरह धोने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल किया जाता था। सेहत के लिहाज से ये पानी बहुत ही मुफीद है, आदमी के लिहाज से मीठा पानी है, इसको जितना भी इस्तेमाल करेंगे इतना ही ज़्यादा फायदेमंद है।
नेड़े जुड़ा जुड़ा का वालेकुम अस्सलाम। और ये क्या लगता है, ठीक हो? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं जी तसद्दुक हुसैन शाह, तो इनसे हम बात करते हैं कुछ। ये ज़रात से इनका है सिस्टम, ये सारा, ये इन्होंने गाय भी रखी हुई है। तो मामू आप ने ये गाय रखी हुई हैं, तो ये कौन सी नस्ल की गाय है? ये पंजाबी नस्ल की गाय है, पंजाबी नस्ल की। और ये दूध वाली गाय है, दूध वाली गाय। ये तकरीबन बच्चे को पिला के 5-6 सेर दूध देती है। तो खेती बाड़ी में आप कौन सी फसलें आपके यहाँ होती हैं और किस तरह आप करते हैं? ट्रैक्टर के जरिए करते हैं या बैलों के जरिए? बैल जो थे वो ख़त्म हो चुके, लोगों ने फरोख्त कर दिए। अभी सिर्फ ट्रैक्टर के साथ हाल मारी जाती है, लेकिन ट्रैक्टर की महंगाई इतनी ज़्यादा है कि घंटे में कम अज कम 1500-1600 रुपये घंटा ले के हाल मारते हैं। उसका खर्चा जमीन नहीं निकाल सकती, क्योंकि बीज है, बीज भी महंगे, खाद महंगी है, तो उसका खर्चा नहीं निकाल सकती, जिसकी वजह से जिम्मेदार ये चीज़ें पूरी मुयसर नहीं कर सकता और परेशान होता है। आज के दौर में हुकूमत बिल्कुल सुबह रात के दही इलाकों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही। अगर दे तो जिस तरह पंजाब में जिम्मेदारों को खाद भी ट्रैक्टर मुयसर करती है, यहाँ भी हो सकते हैं। यहाँ के ट्रैक्टर जो है प्राइवेट कामों में मसरूफ है, जिम्मेदारों के लिए नहीं है। मानसा के अंदर अगर ट्रैक्टर हैं तो वो जितने भी अफसर चाहिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो गाय, ये आजकल तो सर्दियां भी शुरू होने वाली हैं, यहाँ पे बर्फबारी भी होती है? सख्त बर्फबारी, बर्फबारी होती है। तो फिर आप इनके लिए क्या चारा क्या इस्तेमाल करते हैं? वही खुशक घास और कलब जो है, खुशक जो मौसम में काट के। और ये जो सब्ज पत्ते हैं ये कौन से? सब्ज पत्ते दामन के हैं, दामन के हैं। ये भी इसलिए डालते हैं कि इसको खाने से पानी पी लेती है गाय भैंस, ये पानी पी लेती है, गर्म होता है।